हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल बॉटनी गर्ल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स क्वेश्चन आंसर्स। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये बताना है कि आपको इम्पॉर्टेंस बतानी है रिप्रोडक्शन की किसी भी ऑर्गेनिज्म में। द आंसर इज रिप्रोडक्शन इज अ वाइटल फिनोमिना ऑन दिस प्लैनेट अर्थ बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ एंड द स्पीशीज ऑन इट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। देखिए रिप्रोडक्शन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या वाइटल फिनोमिना है जो प्लैनेट अर्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो भी एसेंशियल एक्जिस्टेंस है ऑर्गेनिज्म की और लाइफ की जो कंटिन्यूटी है स्पीशीज़ की वो बनी रहे, जो स्पीशीज़ की जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे जनरेशन आफ्टर जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की वो एक्सप्लेन करनी है ह्यूमन बींग्स में। द आंसर इज इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद एन ओवा और अ एग, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग। देखिए जो प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की वो आपको बतानी है। तो आंसर इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द स्पर्म इन कॉन्टैक्ट विद अन एग। देखो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान जो स्पर्म होता है वो कॉन्टैक्ट में आता है ओवा यानी कि एग से। अब इतने सारे स्पर्म होते हैं उनमें से कोई एक स्पर्म जो होता है वो फ्यूज करता है एग के साथ। नेक्स्ट इज द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल एग कॉल्ड जाइगोट। देखिए जो न्यूक्लियाई होता है स्पर्म का और एग का वो फ्यूज करते हैं और एक फॉर्म करते हैं, क्या करते हैं सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं और जो रिजल्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज एग जिसे हम कहते हैं जाइगोट। ह्यूमंस में इन ह्यूमन बींग्स द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन साइड द फीमेल बॉडी एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ह्यूमंस में जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है वो होता है फीमेल की बॉडी के अंदर, इसीलिए इस प्रोसेस को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चूज द एप्रोप्रिएट आंसर। आपको जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो चूज करना है। द पार्ट ए इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होती है वो कहाँ होती है? ऑप्शंस आर फर्स्ट इज इन फीमेल बॉडी, ऑप्शन 2 आउटसाइड फीमेल बॉडी, ऑप्शन 3 इन मेल बॉडी, ऑप्शन 4 आउटसाइड मेल बॉडी। देखिए जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है वो होती है इन द फीमेल बॉडी। द आंसर इज जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर और टेक प्लेस इन द फीमेल बॉडी। बी इज अ टैटपोल डेवलप्स इनटू अ अडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ, एक टैटपोल जो है वो डेवलप होता है एक अडल्ट फ्रॉग में बाय द किस प्रोसेस के थ्रू? द ऑप्शन 1 इज फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन 2 मेटामॉर्फोसिस, ऑप्शन 3 एम्बेडिंग और ऑप्शन 4 बडिंग। तो जो प्रोसेस है जिसमें टैटपोल जो है वो डेवलप होगा एक अडल्ट फ्रॉग में उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। आंसर इज मेटामॉर्फोसिस। सी इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द जाइगोट इज, जो नंबर होते हैं न्यूक्लियाई के यानी कि जो जाइगोट है उसके अंदर कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं? तो आंसर इज ऑप्शंस आर फर्स्ट नन, ऑप्शन 2 1, ऑप्शन 3 2 या ऑप्शन 4 4। तो जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जाइगोट में वो होते हैं टोटल 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि जो ये फॉलोइंग स्टेटमेंट है ये सही है या नहीं, ये ट्रू है या फॉल्स है। सो ए इज ओविपोरस एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस। जो ओविपोरस एनिमल्स होते हैं वो बर्थ देते हैं डायरेक्टली यंग वंस को। द आंसर इज फॉल्स। जो ओविपोरस एनिमल्स होते हैं वो पहले एग ले करते हैं फिर उनमें से जो यंग वंस है वो डेवलप होते हैं। बी इज ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। जो एक सिंगल स्पर्म होता है वो बना होता है किससे? सिंगल सेल से। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। सी इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रॉग। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है वो टेक प्लेस करती है फ्रॉग में। स्टेटमेंट ये बिल्कुल ट्रू है। डी इज अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गेमीट। देखिए जो न्यू इंडिविजुअल जो है ह्यूमन का वो डेवलप होता है फ्रॉम अ सेल जिसे हम कहते हैं गेमीट। तो आंसर इज फॉल्स, उसे हम कहते हैं जाइगोट, ये फॉल्स है।
ही इज अ एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। देखिए जो एग लेड होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन वो किससे बना होता है, सिंगल सेल से। बिल्कुल सही आंसर, ये स्टेटमेंट ट्रू है। एफ इज द अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, जो अमीबा होता है वो रिप्रोड्यूस करता है बडिंग से। द आंसर इज फॉल्स, जो अमीबा है वो रिप्रोड्यूस करता है बाय द बाइनरी फिजन। डी इज द फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो फर्टिलाइजेशन है वो नेसेसरी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी। नहीं, जो फर्टिलाइजेशन है वो नेसेसरी नहीं है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आंसर क्या है इसका, फॉल्स। एच इज द बाइनरी फिजन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो बाइनरी फिजन है वो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आंसर इज ट्रू, बिल्कुल सही है। I is a zygote is formed as a result of fertilization. बिल्कुल सही, जो zygote है वो form होता है as a result of fertilization. ये statement बिल्कुल true है। J is a embryo is made up of single cell. जो embryo होता है वो single cell से बना होता है। No, जो embryo होता है वो बहुत सारे cell से बना होता है, तो ये statement false है। Question number 5, give the two differences between zygote and fetus. देखिए question number 5 में आपको दो differences बताने हैं zygote और fetus के। तो जाइगोट का स्टार्ट करते हैं। जाइगोट इज अ सिंगल सेल, जो जाइगोट होता है वो कैसा होता है, सिंगल सेल, यानी कि दैट इज मींस इट कंटेन ओनली वन सेल। जो जाइगोट होता है वो सिर्फ सिंगल सेल से ही बना होता है। वेयर एज जो फीटस होता है वो मल्टी सेल होता है, बहुत सारे सेल से बना होता है। सेकेंड पॉइंट ऑफ जाइगोट इज इट इज फॉर्म बाई द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट, दैट इज मेल गेमीट इज स्पर्म एंड फीमेल गेमीट इज ओवा। देखिए जो जाइगोट है वो बना हुआ होता है दो गेमीट के फ्यूजन से। पहला गेमीट होता है मेल गेमीट और दूसरा होता है फीमेल गेमीट। मेल गेमीट क्या होता है, स्पर्म, और फीमेल गेमीट होती है ओवा। तो इनके फ्यूजन से जो जाइगोट है वो फॉर्म होता है। वेयर एज जो फीटस होता है वो फॉर्म्ड होता है बाय द रिप्रोडक्टिव डिवीजन ऑफ जाइगोट। देखिए जो फीटस है वो बनेगा या फॉर्म होगा जब जाइगोट में रिप्रोडक्टिव डिवीजन आएंगी, तब जाके फीटस डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन निकली है और आपको कोई दो मेथड बताने हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एनिमल्स में। तो आंसर इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें जो सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है वो इन्वॉल्व होता है, इस टाइप की मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्स सेल्स दैट इज गेमीट आर नॉट प्रोड्यूस एंड नो फ्यूजन ऑफ गेमीट टेक प्लेस फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ जाइगोट और ऑफस्प्रिंग। देखिए जो भी इस टाइप की जो रिप्रोडक्शन होती है उसमें जो गेमीट्स होते हैं वो फॉर्म नहीं होते हैं या वो प्रोड्यूस नहीं होते, और कोई भी फ्यूजन ऑफ गेमीट्स जो है वो टेक प्लेस नहीं करता है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होती है वो टेक प्लेस करती है अमीबा में, हाइड्रा में, ईस्ट में, स्टारफिश में, स्पॉन्जेस में और एक्स्ट्रा। देर आर मेनली टू मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेनली जो दो मेथड होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो है हमने डिस्कस किए। तो फर्स्ट इज बाइनरी फिजन। इन बाइनरी फिजन अ सिंगल पेरेंट इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल इंडिविजुअल सेल एज एन अमीबा। देखिए बाइनरी फिजन में एक सिंगल पेरेंट जो है आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक सिंगल पेरेंट है, ठीक है। ये क्या होता है, पहले इसका साइटोप्लाज्म, इसका पहले न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हुआ। बी में आप देख सकते हैं कि इसका न्यूक्लियस जो है वो पहले डिवाइड हो रहा है, फिर उसके बाद जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो जो साइटोप्लाज्म है ये डिवाइड होना स्टार्ट करता है, और जैसे ही साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो दो डॉटर अमीबा बन जाएंगी, दो डॉटर अमीबा, और एक सेल से दो डॉटर सेल बन गई, है ना, एक अमीबा से दो डॉटर अमीबा बन गई। तो देखिए इट डिवाइड इंटू टू बाय द डिवीजन ऑफ देयर बॉडी। देखिए यहाँ पर एक से दो बनी और क्या हुआ कि डिवीजन हुआ उनकी बॉडी का, ठीक है। तो दोनों के पास अपना अपना न्यूक्लियस चला गया और एक सेपरेट इंडिविजुअल की तरह दोनों अब ग्रो करेंगी। सेकेंड इज बडिंग। इन बडिंग द ऑर्गेनिज्म डेवलप एज अ बल्ज कॉल्ड बड विच फर्दर डेवलप इंटू अ अडल्ट ऑर्गेनिज्म एंड सेपरेट इट सेल्फ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज शोन इन हाइड्रा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो बडिंग होती है इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एक छोटी सी बल्ज लाइक एक चीज़ बड करने अपने डेवलप करने लगता है जिसे हम कहते हैं बड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बल्ज लाइक एक बल्ब जैसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब ये जो ये स्ट्रक्चर है ये धीरे 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 डेवलप होगा
एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डेवलप हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल डेवलप हो चुका है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये पेरेंट, ये तो ये इसका पेरेंट है, तो ये अपने पेरेंट से डिटैच हो जाता है, हट जाता है, उससे दूर हो जाता है अपनी पेरेंट बॉडी से, और ये जो न्यू इंडिविजुअल जो है एज अ इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो अपनी जिएगा, अपना खुद ग्रो करेगा, जर्मिनेट करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज अ एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछ रहा है कि किस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो एम्ब्रियो है वो एम्बेडेड रहता है, तो आंसर इज यूट्रस। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये बताने कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है और उसके एग्जांपल देने हैं। आंसर इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट इन्वॉल्विंग अ सडन एंड अब्रप्ट चेंजेस इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड एम्फीबियंस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। देखिए मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होना लार्वा का एक अडल्ट में, और बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं वो एनिमल की बॉडी में आते हैं, जैसे कि उसका साइज़ बड़ा होता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है ना। तो इस टाइप की जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ लार्वा का अडल्ट में, इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। एग्जांपल है फ्रॉग, बटरफ्लाई। क्वेश्चन नंबर 9, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको डिफरेंस करना है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। सो आंसर इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन का पार्ट पहला पॉइंट है, द फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट्स अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पार्टनर सच एज ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। देखिए जो फ्यूजन होगा मेल गैमीट्स का और फीमेल गैमीट का, वो कहाँ टेक प्लेस होगा, फीमेल बॉडी की, फीमेल बॉडी जो पार्टनर है उसके अंदर, है ना, जो फीमेल पार्टनर है उसकी बॉडी के अंदर जो है ये जो सारा फर्टिलाइजेशन है ये टेक प्लेस करेगा। कुछ एग्जांपल है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के, जहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म में, तो एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स, बर्ड, मैमल्स। वेयर एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट्स का, वो टेक प्लेस करता है आउटसाइड दी फीमेल बॉडी, है ना। तो एग्जांपल है कुछ इनके, फ्रॉग, फिश, स्टार फिश। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड पॉइंट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन का, कि द फीमेल पार्टनर ले ईदर फर्टिलाइज एग और फुली ग्रोन यंग वंस। देखिए जो फीमेल पार्टनर है या तो वो एग फर्टिलाइज करती है या तो वो फुली डेवलप जो यंग वंस है उनको ग्रो करती है अपनी बॉडी के अंदर। वेयर एज जो इंटरनल, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में है कि जो फीमेल पार्टनर है वो डिस्चार्ज करती है अनफर्टिलाइज एग जो है उनको डिस्चार्ज कर देती है वाटर में। थर्ड पॉइंट ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज ऑफस्प्रिंग हैव हाई चांसेस ऑफ सर्वाइवल। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो भी ऑफस्प्रिंग है, यानी कि जो इंडिविजुअल फॉर्म होने वाला है, जो नया इंडिविजुअल आने वाला है लाइफ में, उसकी जो हाई चांसेस होते हैं सर्वाइवल के। वेयर एज जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो ऑफस्प्रिंग होता है उसके लो चांसेस होते हैं सर्वाइवल के। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू सो मच।